अगर आप ब्लूटूथ गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो रहें अलर्ट, क्योंकि चोरी हो सकता है आपका पर्सनल डेटा। चाहे वो आपकी स्मार्ट वॉच हो या फिर आपके स्मार्ट स्पीकर्स और या फिर स्मार्ट होम असिस्टेंट डिवाइसेस, जितनी आसानी से ये ब्लूटूथ डिवाइसेस आपकी फोन एप्स के साथ जुड़ जाते हैं, उतनी ही आसानी से ये हैकर्स को आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी करने का रास्ता खोल देते हैं। किस तरह से ब्लूटूथ के जरिए मारी जाती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर सेंध और कैसे बचा जाए इससे, आइए जानते हैं। ब्लूटूथ एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस सिंपल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के डिसएडवांटेजेस भी हैं। जी हाँ, और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी। देखिए, ये ब्लूटूथ डिवाइसेस रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं जो कि दीवारों में आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हैं। हाल ही में लंदन में हुई एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरीज कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस सिक्योरिटी की एक स्टडी के मुताबिक डिजाइन दोष के कारण ब्लूटूथ डिवाइसेस आपकी जानकारी को लीक कर सकते हैं। अमेरिका की द ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर जिंकयांग लिन के मुताबिक एक फंडामेंटल फ्लॉ है जो इन डिवाइसेस को कमजोर बना देता है। पहला, जब उन्हें शुरुआत में एक मोबाइल ऐप के साथ जोड़ा जाता है और फिर जब वे काम करना शुरू करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ब्लूटूथ पेयरिंग के वक्त हैकिंग की संभावना कैसे होती है। जब भी आप अपने ब्लूटूथ डिवाइसेस को अपनी फोन ऐप से कनेक्ट करते हैं तो ये डिवाइसेस सबसे पहले UUID यानी यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर के जरिए संवाद करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये आइडेंटिफायर आपके फोन पर संबंधित एप्स को ब्लूटूथ डिवाइस को पहचानने की अनुमति देता है, जिससे एक कनेक्शन बनता है जो आपके फोन और डिवाइस को एक दूसरे से बात करने की इजाजत देता है। एक रिसर्च के अनुसार ये आइडेंटिफायर खुद भी मोबाइल ऐप कोड में एम्बेडेड होता है, अदरवाइज मोबाइल एप्लीकेशंस उस डिवाइस को पहचान नहीं पाएंगी। हालांकि मोबाइल एप्स में ऐसे UUID डिवाइसेस को फिंगरप्रिंटिंग अटैक के लिए वल्नरेबल यानी कमजोर बनाते हैं, यानी हैकर का काम यहां आसान हो जाता है। यहां कम से कम एक हैकर ये तक निर्धारित कर सकता है कि आपके पास एक विशेष ब्लूटूथ डिवाइस है या नहीं। लेकिन कुछ मामलों में जिनमें कोई एनक्रिप्शन शामिल नहीं है या एनक्रिप्शन का उपयोग मोबाइल एप्लीकेशन और डिवाइसेस के बीच इम्प्रॉपर तरीके से किया जाता है, उन केसेस में हैकर आपकी बातचीत तक सुन सकते हैं और उस डेटा को इकट्ठा करने में सक्षम हो जाते हैं और आपको इस चोरी का पता तक नहीं चलता। ये बेहद खतरनाक है, क्योंकि आज की तारीख में हम अपने पासवर्ड से लेकर पूरी बैंक अकाउंट डिटेल्स तक अपने फोन में रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने इन ब्लूटूथ डिवाइसेस का इस्तेमाल करना बंद कर दें। देखिए, यहाँ थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। यूजर्स के डेटा का मिसयूज पहले भी होता रहा है। इससे पहले ऐसी खबरें भी आई थी कि स्ट्रीमिंग सर्विस का भी ज्यादा इस्तेमाल आपकी प्राइवेसी को खतरे में डाल सकता है। और हाल ही में कुछ रिसर्च में ये सामने आया है कि कई बार यूजर्स की परमिशन के बिना उनका डेटा कलेक्ट करके कई कंपनियों के साथ शेयर किया जाता है। तो बात यहाँ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की है, साथ ही इन टेक्नोलॉजीज के स्मार्ट यूज की भी। और वो स्मार्ट यूज क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात ये कि आप कभी भी ब्लूटूथ के जरिए अपना पर्सनल डेटा ट्रांसफर ना करें, वो बहुत आसानी से चुराया जा सकता है और आपको पता तक नहीं चलता। दूसरी अहम बात ये कि जब भी आपको ब्लूटूथ की जरूरत नहीं है या आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसे टर्न ऑफ करना ना भूलें और जितना हो सके इस टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल करें, ताकि आप बेवजह ही किसी साइबर क्राइम का शिकार ना बने। अगर इस समस्या से बचने का आपके पास भी कोई सुझाव या तरीका है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज newsplatform.in पर।